And her boat is not in her. She's a सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी पी एल एल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलो जी, आज जो है हम फिर से सी पी सी को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि भाई सी पी सी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। लेकिन हाँ, ईजी बहुत है, आप ऐसा मत समझना कि बहुत टफ है। आराम से देखो आप वीडियोज़ को और बिल्कुल आपके कंसेप्ट जो है क्लियर कर देंगे। तो हाँ, लास्ट वीडियो जो हमने ऑर्डर 1 पर बनाई थी, तो भैया जी अब हमारे ऑर्डर्स चल रहे हैं, सेक्शंस हमने कर लिए हैं जितने इंपॉर्टेंट थे। जो मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही बताऊंगा, क्योंकि एक ऑर्डर में यार ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 रूल्स होते हैं, तो सारे करने तो पॉसिबल है नहीं और सारे करने भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है, बाकी 90-95% मुझे पता है बच्चे नहीं ही कर पाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक एक दो दो स्टार्टिंग के, 3-3, 4-4 या बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट है वो उठा लेते हैं अपन लोग, और उससे क्या आपके ऑर्डर्स तैयार भी हो जाएंगे जो जनरली पूछे जाते हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जुडिशरी के जो पूछे जाते हैं उसके अंदर। चलो जी, ऑर्डर 1 हो चुका था, ऑर्डर 2 पे आते हैं, वो है फ्रेम ऑफ सूट। तो ऑर्डर 2 जो है वो बताता है कि आप सूट जो है वो कैसे फ्रेम करोगे। भैया आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि मैंने जो है फलाना फलाना मतलब बी को 10,000 रुपये जो है दिए थे। अब जब वापसी की बात आई तो वो जो है नहीं दे रहा मुझे, ठीक है जी। अब मैं जो है केस डाल देता हूँ कि मैंने जो है इसको मतलब 10,000 किस सेंस में दिया, आपको ये समझाता हूँ। जैसे मैंने आज जो है उसको 5,000 दिए, कल जो है मैंने उसको 3,000 दिए, 5, 6, 7, 8 हो गए, और बाकी जो 2,000 दिए वो मैंने परसों दिए। तो ऐसे 3 स्लैब्स में दिए थे मैंने, 5, 3 और 2, इस तरीके से आज 5 दिए, कल 3 और परसों 2,000 दिए। अब क्या था कि मैंने जो केस जब डाला कि भैया ये मुझे वापस नहीं कर रहा, तो मैंने उसको बोल दिया कि 8,000 जो है मैंने इसको दिए थे आज और कल के मैंने मिला लिए, परसों के मैं भूल गया या जानबूझ के, व्हाट्स एवर, वो कोई मैटर नहीं है। मैंने 8,000 का केस डाल दिया, ठीक है जी, कि भैया इस मैंने इसको 8,000 दिए थे और ये मुझे वापस नहीं कर रहा, ठीक है जी। कोर्ट का आ गया, अब उससे 8,000 मुझे रिकवरी करवा दी। अब बाई चांस अगर मुझे याद है कि अरे हाँ, मैंने तो इसे 2,000 भी दिए थे, या फिर मैं इंटेंशनली बोला था, या व्हाट्स एवर, जो भी ऑप्शन है, तो मैं 2,000 का दोबारा केस नहीं डाल सकता। ये आपका करता है ऑर्डर 2 बात। अब आपको शायद समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो आपने हिस्सा छोड़ दिया है वो छोड़ दो। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो बंदा है उसको बार बार परेशान ना किया जाए। कभी कभार इंटेंशनली लोग क्या करते हैं कि भैया 1,00,000 का मैटर है, एक काम करते हैं 50,000 अभी करते हैं, ठीक है जी, फिर 30,000 का और डाल देंगे, ओ जी फिर 20,000 का डाल देंगे, साले को कोर्ट में घसीटेंगे, बार बार घसीटेंगे, सॉरी। तो ये सीन है। तो इसलिए जो है ऑर्डर 2 जो है आपका काम आता है, ये आपको क्या करेगा हेल्प कि भैया बंदे को ज़्यादा परेशान ना करो, एक बार में जो आपने बोलना है बोल लो अपनी बात, ये नहीं कि बार बार डालो। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस ये होती है कि भैया क्या पता वो मैटर अलग हो, वो उस चीज़ से रिलेशन में ना हो, कि भैया वो जो 10,000 का टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है उसमें से जो 2,000 मैंने छोड़े हैं वो इस चीज़ के लिए ना, किसी और चीज़ के लिए मैंने लोन दिया हो उसको, या किसी और चीज़ के लिए मैंने दिया हो, तो वो एक अलग हिस्सा बन जाएगा, वो एक अलग मुकदमा चलेगा कोर्ट में। तो ये सीन होता है, तो सेम उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये था ऑर्डर 2। अब इसके अंदर हम 2 ही रूल करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस ऑर्डर का, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, जो वो होते हैं ना सिचुएशन बेस्ड, कि भाई ए ने बी को ये करा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभार। तो रूल 1 यही कहता है कि एवरी सूट मस्ट इंक्लूड द होल ऑफ द प्लेंटिव्स क्लेम इन रिस्पेक्ट टू द कॉज ऑफ एक्शन, एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑल मैटर इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज बी डिस्पोज्ड एज फाइनली, डिस्पोज्ड ऑफ एज फाइनली। तो कुछ नहीं, वही कह रहे हैं कि भैया एक जो प्लेंटिव है उसको अपनी सारा जो कॉज ऑफ एक्शन का जितना भी है, जो प्रैक्टिकेबल है चीज़, जितनी भी डालनी है उसको, 10,000 डालना था 10,000 डालना था उसको, 8,000 नहीं, तो जितना भी वो डालेगा जिसके लिए वो चाहता है कि केस डिस्पोज ऑफ हो, बेसिकली सॉल्यूशन वगैरह दिया जाए, मुझे उनको रिकवरी कराई जाए, तो वो अमाउंट ही देना होगा तुमको पूरा, जितना भी तुम कॉज ऑफ एक्शन है जिसमें इंक्लूड। ये रूल 1 ये कह रहा है। रूल 2 जो है आपका ये कहता है, रूल 2 कहता है एवरी सूट मस्ट इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम टू विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्शन एंड वेयर द प्लेंटिफ omits to sue or intentionally relinquish some portion of his claim, he shall not afterward be allowed to sue for the portion relinquished. तो ये वर्ड जो मैंने relinquished यूज़ किया, इसका मतलब होता है छोड़ देना। अगर मैं आपको layman language या literal meaning इसका बताऊँ तो होता है छोड़ देना। तो जो ये कह रहा है कि जो हिस्सा उसने छोड़ दिया ना, वो छूट ही जाएगा, उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि उस हिस्से के लिए वो एक नया अपना दावा डाले। तो 2 रूल इसने हमने समझे कि रूल 1 में कहा है कि भैया सब कुछ डालो, मतलब सब कुछ डालो इन द सेंस कि सब कुछ इंक्लूड करो जो कॉज ऑफ एक्शन में, और रूल 2 ये कह रहा है कि जो तुमने छोड़ दिया, रिलिंक्विश्ड वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर, जो हमने छोड़ दिया वो छोड़ दो भैया, उसको नहीं तुम्हारे को अलाउ किया जाएगा कि अब तुम उस चीज़ के लिए दोबारा केस डालो। अब इसमें केस आता है, हाँ इसमें केस आता है मोहम्मद खलील वर्सेज महबूब अली, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है केस।
तो प्रिवी काउंसिल का ये केस है क्योंकि इस टाइम पे कोर्ट वगैरह थी नहीं, तो इसलिए द कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट विच विल बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इट ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट। कॉज ऑफ एक्शन वो सारी चीज़ें होंगी जो प्लेंटिफ को जो है प्रूव करना है कि भैया हाँ देखो मेरे साथ कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली जो कांड हुआ है उसके साथ, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो भैया मुझे पैसा दे दिया मैंने इससे, ये मुझे वापस नहीं कर रहा है, ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है जी। इफ द एविडेंस टू सपोर्ट द टू क्लेम्स इज डिफरेंट देन द कॉज ऑफ एक्शन आर ऑल्सो डिफरेंट। हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जैसे कहा था कि यार जैसे 8,000 का मैंने डाल दिया मुकदमा, 2,000 वो किसी और पर्पज़ का सीन था तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, हालांकि उस सेम बंदे से मुझे 10,000 तो लेने हैं लेकिन 8,000 किसी और चीज़ के लिए थे और 2,000 किसी और चीज़ के लिए थे। तो यही कह रहा है वो कि अगर दो अलग अलग एविडेंस भी आ जाते हैं दोनों को प्रूफ करने के लिए तो जो है क्लेम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, कॉज ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आप बुक खोल के देख सकते हैं, बाकी बहुत शॉर्ट में हम करेंगे आज। तो ठीक है जी, अब आता है हमारा ऑर्डर 4 सेक्शन 26। ऑर्डर 3 मैंने छोड़ दिया है, चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाले कवर करूँगा जो पूछे जाते जनरली। तो हमने अभी ऑर्डर 2 करा था, ऑर्डर 2 के बाद 3 हमने स्किप करके ऑर्डर 4 पे आए हैं जो कि है सेक्शन 26 के साथ। तो ऑर्डर 4 एंड सेक्शन 26 क्या कहता है, ये जनरल बताता है प्लेंट के बारे में कि प्लेंट क्या होती है। अब आप कहोगे कि भैया प्लेंट तो जो है वो ऑर्डर 7 वो वाला प्लेंट नहीं है, वो प्लेंट की बहुत डिटेल बताएगा, ये ऊपरी परत दिखाएगा आपको प्लेंट की कि क्या है। ऑर्डर 4 सेक्शन 26 समझते हैं क्या कह रहा है ये प्लेंट। कह रहा है इट इज़ नॉट इट हैज़ बीन नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट बट इट मींस प्राइवेट मेमोरियल टेंडर टू अ कोर्ट इन विच अ पर्सन सेट फोर्थ हिज कॉज ऑफ एक्शन द एग्जीबिशन ऑफ एक्शन इन राइटिंग। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी इसने, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो प्लेंट वही होता है जो प्लेंटिफ होता है जिसके साथ जो है कांड हुआ है, वो जो है अपना कहते हैं ना रिटर्न में जो है वो लिख के देता है कि भैया देखो मेरे साथ ये हुआ है मुझे न्याय चाहिए, जो वो रिटर्न में दे रहा है उसे ही हम कहते हैं प्लेंट। ठीक है जी। अब सेक्शन 26 तो इसके साथ है ही, और ऑर्डर 4 रूल 1 क्या कह रहा है, ये कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब बेसिकली इसमें ये बोला गया है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट में कि पहले तो है जो वो प्रेजेंटेशन जो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनी चाहिए। ठीक है जी, प्रेजेंट कर रहे डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है जी, और या फिर जो भी कोड के अंदर लिखा है उस हिसाब से मैनर से वो प्रेजेंट कर दें, या फिर खुद प्रेजेंट करे, या उसके बिहाफ पर कोई प्लीडर या एडवोकेट प्रेजेंट करे उसका, या फिर जो है कोई थर्ड पर्सन जिसने उसको इंटरेस्ट अपना ट्रांसफ़र किया होगा या कोई एजेंट हो सकता है उसका, तो ये जो है कोर्ट में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं प्लेंट। ठीक है जी। टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ऐसा कोई जनरल टाइम और प्लेस नहीं है लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो कि 9 to 6 है, 9 to 10 to 6 ये 7 PM तक एक आधा घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी, ये होते हैं वर्किंग आवर्स हो गए। और अब जो है यहाँ पर एक और चीज़ है कि भैया ज़रूरी नहीं है कि तुमको जो है प्रॉपर एक वे से ही जमा करना है, प्लेंट को देना है, तुम यहाँ पर जज को जो है डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो मे एक्सेप्ट द प्लेंट एट दिस कहीं पर भी, ये मैटर नहीं कि कोर्ट के अंदर या फिर कोर्ट प्रेमिसिस के अंदर, कुछ नहीं, उसके घर पर जाके भी वो प्लेंट को एक्सेप्ट कर सकता है एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, या फिर उसको फर्दर भेज दे कि भैया, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जिसके लिए बहुत नेसेसरी है, जल्दी जल्दी करना है, अब वो पूरे प्रोसेस से निकलेगी उसकी जो कहते हैं कंप्लेंट, बहुत मुश्किल आ जाएगा, सीधा जज कर देता है एकदम इंक्वायरी बैठ जाती है, तो वो सीन है ये। उसके बाद देन द पर्टिकुलर्स ऑफ द सूट विल बी एंटर्ड इन एंटर बाय द कोर्ट इन द बुक केप्ट फॉर दिस सेट पर्पज। हाँ एक कोड बुक होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ सिविल सूट, उसके अंदर जो है आपका ये नंबर चढ़ जाता है आपके प्लेंट का और ये सूट का। उसके बाद जब सब कुछ होता है, मतलब बेसिकली से एक स्टेप पीछे आ रहे हैं सूट का नंबर चढ़ने से पहले, क्या होता है कि स्टैम्प रिपोर्टर जो है आपके जो प्लेंट है उसको स्क्रूटनाइज करेगा कि भैया तुमने सारी चीज़ें इसमें ठीक भरी हैं या नहीं भरी, पूरा जो कहते हैं फॉर्मेट है प्रोसीजर है उसके थ्रू भरा है कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो आपको कुछ टाइम दे देगा कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते 10 दिन जो भी है, वो देकर आपको कहेगा कि भैया इसको ठीक कर लो, ये जो प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टैम्प करके नंबर चढ़वा देते हैं आपका और ये सूट जमा हो जाएगा। तो ये है इन जनरल, मैंने आपको कहा था ना ऑर्डर 4 सेक्शन 26 इन जनरल बताते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 4 हो गया, अब हमने 5 को फिर से स्किप करा है, आप कर सकते हैं 5 समान है मेरे ख्याल से। 5 के बाद अब आएंगे सीधा ऑर्डर 6 पर, ऑर्डर 6 पर आएंगे अब आप। ऑर्डर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है और इसके हम थोड़े से रूल्स थोड़े से ज़्यादा करेंगे और ये पेपर में गाइस ज़रूर पूछा जाएगा। देखो एक तो ऑर्डर 2 ज़रूर पूछा जाएगा, आपके शॉर्ट में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आएगा या आपको लिखना ही पड़ेगा, और एक ऑर्डर 6 जो है ज़रूर ही ज़रूर पूछा जाएगा। बिल्कुल लर्निंग मोड में आ जाइए, कॉपी पेन हाथ में, कान खोलें आँखें बंद
नहीं आके बंद मत करो, केस देखने पड़ सकते हैं इसीलिए। चलो जी, ऑर्डर सिक्स रूल वन। ये ऑर्डर सिक्स बेसिकली हमारा प्लीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया प्लीडिंग होती क्या है, ये हमें डेफिनेशन वगैरह इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कंडीशन है, वो सब बताएगा। ठीक है जी, ऑर्डर सिक्स रूल वन कहता है प्लीडिंग, प्लीडिंग इज डिफाइंड एज प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। भैया जी देखो, दो बंदे होते हैं, एक प्लेंटिव होता है, एक डिफेंडेंट होता है। ठीक है जी, एक केस के अंदर प्लेंटिव जो है अपनी प्लेंट डालता है कि भैया देखो मेरे साथ एक कांड हुआ। डिफेंडेंट क्या डालेगा? डिफेंडेंट प्लेंट नहीं डालता, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट डालता है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ इसके प्लेंट का कि भैया जो इसने मेरे मुकदमा कराया कि 10,000 मैंने इसको दिए थे, भैया कोई नहीं दिए 10,000, मैं मना करता हूँ। डिफेंडेंट ऑब्वियसली बात है अपना डिफेंस लेता है, तो वो किस उस वर्ड को क्या बोलते हैं जिससे वो डिफेंस लेता है, वो होता है रिटन स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्लेंटिव डालता है प्लेंट और डिफेंडेंट डालता है रिटन स्टेटमेंट, प्लीडिंग इसी को कहा जाता है। अगर प्लेंटिव प्लेंट डाल रहा है तो उसकी प्लीडिंग हो गई वो, और अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट डाल रहा है तो रिटन स्टेटमेंट उसकी प्लीडिंग हो गई। तो प्लीडिंग एक जनरल वर्ड कह सकते हो आप इसको। ठीक है जी, तो प्लीडिंग इज डिफाइंड एज प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ठीक है जी, और अ प्लेंटिफ प्लीडिंग इज हिज एंड इज हिज प्लेंट एंड अ डिफेंडेंट्स प्लीडिंग इज हिज रिटन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो वो उसकी प्लीडिंग हो गई, वो उसकी प्लीडिंग हो गई। ऑब्जेक्ट्स क्या है प्लीडिंग के? द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग इज टू ब्रिंग द पार्टीज टू डिफिनेट इशू एंड टू डिमिनिश एक्सपेंस एंड डिले एंड टू प्रिवेंट सरप्राइज एट हियरिंग। तो प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया पहले से ही जो है कोर्ट को पता हो कि इसने क्या मुकदमा डाला और क्या पंगा चल रहा है और वो क्यों डिनाई कर रहा है, ताकि अचानक से दो बंदे आकर भिड़े ना शुरू हो जाए। तो कोर्ट को पता हो, सरप्राइज हियरिंग ना हो, कोर्ट को पता हो कि हाँ ये मुद्दा है, अब इसी के ऊपर जो है बातचीत चलेगी कोर्ट के अंदर। तो प्लीडिंग का बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, टू नैरो डाउन द एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑर्डर सिक्स ये रूल वन था जिसके अंदर बेसिक डेफिनेशन दी हुई थी। ऑर्डर सिक्स रूल टू कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे। प्रिंसिपल्स इन सेंस की ये कंडीशंस हैं जो आपको मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये जरूर होना चाहिए प्लीडिंग के अंदर। ठीक है जी, अब वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो ध्यान से सुनो। पहला आता है स्टेट फैक्ट नॉट लॉ, बहुत बड़ी बात कही है इसने ये। फैक्ट्स को डालो, अगर जैसे प्लेंट डाल रहा है वो, चलो ये कोई डिफेंडेंट में रिटन स्टेटमेंट डाल रहा है, तो उसके अंदर फैक्ट डालो, लॉ मत डालो। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ से, आपको समझ नहीं आया होगा अभी। देखो बेसिकली क्या होता है, पार्टीज टू स्टेट द फैक्ट ऑन विच दे रिलाई अपॉन फॉर देयर क्लेम। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी पायस ऑब्लिगेशन के ऊपर, जो सबसे पहली वीडियो थी शायद इस चैनल पर, हाँ, तो अगर आपने अच्छे से याद होगा तो पायस ऑब्लिगेशन क्या था कि भैया जी जब फादर मर, पहली बात तो ये कंसेप्ट हट चुका है, लेकिन फॉर एग्जांपल के ले लेते हैं, तो फादर मर किसी के मर जाते हैं तो उनके फादर का जो डेट है, जो भी वो कर्जे वगैरह में है, वो बच्चे को पे करने होते हैं। ये था हमारा पायस ऑब्लिगेशन, इन जनरल शॉर्ट में बता दिया मैंने। तो इफ़ अ सन इज सूड फॉर डेट इनकर्ड बाय देयर डिसीज्ड फादर, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट इन द प्लेंट द हिंदू लॉ एज टू द पायस ऑब्लिगेशन। भैया जब वो प्लेंट डाल रहा है कि भैया मैं एंटाइटल नहीं हूँ, ऑब्वियसली बात है अपना डिफेंस लेगा, उसको ये नहीं डालना कि भैया देखो तो हिंदू लॉ में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन है, और पायस ऑब्लिगेशन में ये होता है, उसके बाद ये 2002 या 2003 जो भी था डेट, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, वो जो है हट गया है और ये आप लॉ डाल रहे हो, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होंगे इसके अंदर, भैया जी देखो मैं एंटाइटल नहीं हूँगा, ये 2002 के बाद ये रूल हट चुका है, दैट्स इट। ये नहीं कि हिंदू लॉ में ये है, ये सेक्शन है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, लॉ नहीं डालना आपको, फैक्ट्स डालने के इसके। ठीक है जी, दूसरा आता है मटेरियल फैक्ट, इट मींस ऑल द फैक्ट्स अपॉन विच अ प्लेंटिव कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंडेंट डिफेंस डिपेंड्स। इसके अंदर केस आता है, ये दूसरा पॉइंट है मटेरियल फैक्ट, इसके अंदर एक केस आता है उद्धव सिंह वर्सेज माधव राव, ये क्या लिखा है, स्किंडिया, देख लो प्रोनाउंस गलत ना हो रहा हो, मुझे डाउट है थोड़ा सा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड द मटेरियल फैक्ट आर दोज फैक्ट विच डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस आर मटेरियल फैक्ट। तो जो प्लेंटिव कॉज ऑफ एक्शन है या फिर डिफेंस का जो है वो मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा तीसरा आता है हमारे पास फैक्ट्स नॉट एविडेंस। अब देखो जी हमारे पास दो यहाँ पर टर्म्स आती हैं, ये टर्म्स आपके जो है एविडेंस में ही है ना, हाँ एविडेंस लॉ में भी है, अगर देखा होगा अगर आपने सिलेबस में अपने, तो एविडेंस लॉ में दो टर्म्स आती है जो जनरली टीचर कहते हैं कि छोड़ दो, या फिर जनरली जो है ये शॉर्ट में कहता है टीचर की शॉर्ट में आएगा इसको देख लेना, वो है फैक्टम प्रोबेंडा और फैक्टम प्रोबेंशिया। ये कुछ दो लेटिन टर्म्स हैं जो कि आपको शायद ही बुक में मिले, तो ये मैं आज आपको यहाँ समझा देता हूँ, CPC के साथ आपका एविडेंस का भी थोड़ा सा पार्ट जो है कवर हो गया आज। तीसरा हमने कहा फैक्ट्स नॉट एविडेंस, इसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स आती है फैक्टम प्रोबेंडा और फैक्टम प्रोबेंशिया। भैया देखो फैक्टम प्रोबेंडा, जहाँ पर डा आ जाता है ना
उसका मतलब होता है फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, जो भी फैक्ट्स हैं मेरे जो मुझे प्रूव करने हैं, ठीक है जी। और फैक्टम प्रोबेंशिया, जहाँ शिया आ गया लास्ट में, शिया का मतलब होता है द फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ विच दे आर टू बी प्रूव्ड। भैया जी मोटे मोटे तौर पे बताऊँ तो एविडेंसेस। तो फैक्टम प्रोबेंडा, जहाँ डा आ गया मुझे फैक्ट्स को प्रूव करना है, और फैक्टम प्रोबेंशिया, अब मैं उन फैक्ट्स को प्रूव कैसे करूँगा जो मैं एविडेंसेस दूंगा, वो होता है फैक्टम प्रोबेंशिया, ठीक है जी। तो प्लीडिंग के अंदर हमको जो है सिर्फ फैक्टम प्रोबेंडा डालना है, फैक्टम प्रोबेंशिया नहीं डालना, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग ऑफ द केस होता है। आपको बिल्कुल एक जनरल ओवरव्यू दे देना है कोर्ट को कि भैया देखो मेरी ये प्रॉब्लम है और ये नाट रहा है या मुखर रहा है, जो भी है, ठीक है जी। तो आपको फैक्टम प्रोबेंडा डालना है, आपको फैक्ट्स डालने हैं जो आपको प्रूफ करने हैं, वो प्रूफ करोगे आप बाद में। जो आपको प्रूफ करने हैं आपको सिर्फ वो फैक्ट्स डालने हैं प्लेंट के अंदर। अब हो सकता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। एग्जांपल दे देते हैं, एक ए बायज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। ए ने जो है इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस लिया, और उनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि भैया हम जो है इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें नहीं देंगे जब इन द केस ऑफ सुसाइड, ठीक है जी। नॉर्मल उसमें तो देते हैं हम डेथ में, लेकिन सुसाइड के केस में नहीं देते। अब हुआ क्या कि ए जो है सुसाइड कर लेता, ए कमिटेड सुसाइड, उसके घर वालों ने क्या केस डाला। भैया अगर केस डलेगा कि उसने दो दिन पहले दुकान पर गया था फलाना फलाना, वहाँ से उसने गन उठाई, फिर घर पर आया, उसने गोली लोड करी, दरवाजे सारे बंद करे, ये क्या है, फैक्टम प्रोबेंशिया है ये। एविडेंसेस फ्रॉम विच यू नीड टू प्रूव द फैक्ट्स, ये एविडेंसेज है कि भैया उसने फलाना फलाना दुकान से लिया। ये आपको सारी चीज़ें प्लेंट में नहीं डालनी है, बाद में डलेंगी, ये आपको बाद में बताना है कोर्ट को। अभी आपको बताना क्या है कि भैया वो जो है मर गया, दैट्स इट, यहाँ सुसाइड कमिट हुआ है। ये नहीं कि भैया फलाने फलाने दुकान से ली, गन ली, उठाई, मारा। आपको फैक्टम प्रोबेंडा, क्या फैक्ट्स है केस की, भैया सुसाइड है इसलिए हम पैसा नहीं दे रहे, इंश्योरेंस वाले यूँ बोलेंगे, इसने दैट्स इट, खत्म। आपको शायद है समझ आ गया होगा। चौथा पॉइंट हमारा कंसाइज फॉर्म होता है। प्लीडिंग जो है मतलब कंसाइज होनी चाहिए, नहीं कि पूरी राम कथा कहानी लिख दी, तो उसमें रिजेक्शन का एक पॉइंट बन जाता है। तो कंसाइज फॉर्म, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट बात बोलो, ज़्यादा फैलाओ मत बात को, ठीक है जी। ऑर्डर 6 जो है हमारे, ये 4 हो गए हैं इसके पॉइंट्स, ये था रूल 2। उसके बाद हम आते हैं सीधा 17 और 18 पर, को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। ऑर्डर 6 रूल 17 और 18 कुछ नहीं है, रूल 17 जो है, ऑर्डर 6 रूल 17, हम कंटिन्यूशन में चल रहा है, ऑर्डर 6 प्लीडिंग के अंदर ही है हम अभी। रूल 17 क्या कहता है, कोर्ट कैन गिव परमिशन टू द पार्टीज एट एनी स्टेज ऑफ द केस फॉर अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग। तो 17 और 18 दोनों ही जो है रूल्स आपके अमेंडमेंट के ऊपर डील करेंगे। तो रूल 17 कहते हैं कि कोर्ट जो है परमिशन दे सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द केस की वो प्लीडिंग जो है उसको अमेंड कर दे। अमेंड का क्या मतलब होता है, कुछ ऑल्टरेशन, एमलगमेशन, कुछ चेंजेस डाल सकते हैं। Provided that no amendment will be allowed after the trial has commenced, unless the court sees that the party who wants to amend has no capacity to add the information he wants to amend at the time of the pleading, in that case only he is allowed for amendment. So basically, अगर trial जो है start हो चुका है case का भी, तो बिल्कुल starting में तो देखो amendment का दे देते court permission। ये जब trial start हो गया है, लड़ाइयाँ चल रही हैं दोनों advocates के बीच में, तो उस case में generally नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी court के discretion है कि अगर बहुत important है कि भैया क्या question arise होगा इस चीज़ से अगर ये amend होगा तो दे भी सकती है court। तो एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन, कोर्ट की पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द अमेंडमेंट और नॉट, ठीक है जी। अब ये जो है हमारे पास आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, वन परमिशन ग्रांटेड। तो जब परमिशन ग्रांट हो जाती है, तो पहली बात तो ये परमिशन ग्रांट जो है वो कोर्ट आसानी से नहीं करेगी, वो किस केस में करेगी। अब इसमें केस आते हमारे पास किशन दास वर्सेज रचापा विधोबा, ये आपकी स्क्रीन पर जो है फ्लैश हो रहा होगा, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हुआ हो तो। तो इस केस में बोला ये गया था कि कोर्ट तभी जो है आपको अमेंडमेंट के लिए अलाउ करेगी, परमिशन देगी, अगर जो है वो दूसरी जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए कोई इनजस्टिस ना क्रिएट हो उस अलाउंस से, अमेंडमेंट से, और अगर ये बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ भाई ये अमेंडमेंट के बाद ही जो है केस आगे बढ़ सकता है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट निकल के आ जाएगा कि भाई हाँ इस अमेंडमेंट के बाद जो है चीज़ आगे बढ़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो ये दो टॉपिक, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर ये दो पॉइंट आ जाते हैं और नहीं आते हैं, एक नहीं आता और दूसरा आता है, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये दो पॉइंट बेसिकली कोर्ट अपने ध्यान में रखेगी।
उसके बाद हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है अमेंडमेंट के लिए? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लीडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ की है या डिफेंडेंट, दोनों की ही उसको प्लीडिंग कहते हैं। प्लेंटिफ की प्लेंट को प्लीडिंग कहते हैं, डिफेंडेंट की डब्ल्यूएस को रिटर्न स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहते हैं। तो कौन कर सकता है? दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ, ठीक है जी। फिर जो है हमारा रूल 18 जो है, ये रूल 17 चल रहा था हमारा, रूल 18 कहता है फेलियर टू अमेंड। अब आप ये कहोगे यार अमेंडमेंट का कुछ टाइम भी तो होना चाहिए, और अगर उस टाइम पीरियड में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो रूल 18 हमको टाइम पीरियड बताता है, टाइम पीरियड है हमारे पास 14 दिन का। भैया जी जब से तुमने गुजारिश करी कोर्ट के सामने कि हाँ भैया मुझे जो है अमेंडमेंट कराने अलाउ कर दिया जाए, ठीक है कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो जिस दिन अलाउ करा उस दिन से आपका 14 दिन तक, 14 डेज तक आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपने सही से उसमें अमेंडमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए 15वां दिन होते ही शुरू जो है आपका वो दोबारा अमेंडमेंट के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी है एज इट इज़ डिप्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट वही रहेगी, फिर कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन इसमें भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि भैया अगर वो अपना जो भी इसने जिसको अमेंड करना था, बेसिकली प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, उसने कोई रीजनेबल कॉज बता दे कि भैया मेरे तो फलाना फलाना की डेथ हो गई थी, या मैं फलाना फलाना बिजनेस मीटिंग पर गया हुआ था इसलिए नहीं कर पाया, या व्हाट्सो एवर, तो उस केस में ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि 14 दिन का समय भी कोर्ट बढ़ा सकती है, ठीक है जी। तो कोर्ट के पास बहुत पावर्स होती हैं। तो ये था जी हमारा रूल 17 और 18। तो ये हमारा पूरा जो है ऑर्डर 6 जो है कवर अप हो चुका है, और 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आगे के जो है ऑर्डर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में ऑर्डर 7, 8 और 9, तीन ऑर्डर्स अभी हमारे रहते हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये ज़रूर पूछा जाएगा इस केस। 8 से जो है रिटर्न स्टेटमेंट से भी पूछा जाता है, 9 से तो ज़रूरी पूछा जाएगा अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो चलिए जी उसको हम बाद में कवर अप करेंगे। ये आज हमारे जो है ऑर्डर 2 हो चुका है, 3 को छोड़ के 4 हो चुका है, सेक्शन 26 उसके साथ ही है, और ये ऑर्डर 6 हो चुका है 5 को छोड़कर, ठीक है जी। पूरा हो गया ये हमारा, और केस लॉज जो है आपको मैंने बता दिए हैं। ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं कह सकते हो, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये रूल्स, इनमें से जो ज़रूरी क्वेश्चन आता है कोई ना कोई उठ उठ के। बाकी आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लगता था ऐड ऑन करिए, कमेंट्स में बताइए कुछ और ऐड ऑन करना हो तो मैं अगली वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल एलिविगान, और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, पेपर्स में आपको ज़रूर हेल्प हो रही होगी मेरे थ्रू। और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको दबाकर आप ऑल पर कर दीजिएगा, जैसे आपको ऐसी गैल्वनाइजिंग वीडियोस जो हैं, नॉलेजेबल वीडियोस आपको दी मैं प्रोवाइड करता रहूँ, और आपके पास आनी भी तो चाहिए ऑब्वियसली बात, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने अपलोड करी नहीं करी तो क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल एलिविगान, एंड नीचे जो मैंने एक ऐप का लिंक दिया हुआ है कॉल मी फॉर का, उससे आप मेरे को डायरेक्टली मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट है बेसिकली लॉ से कुछ रिलेटेड या मेरे लेक्चर से कुछ रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली जो मुझे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग बी वेल एलिविगान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट।